Hello students, today we are going to discuss about the spherical lenses. So, आपने lens पहले सुन रखा होगा, जैसे कि मेरी जो specs है, इसके मैं दोनों तरफ देख सकता हूँ, ये भी एक lens है, तो lens क्या है? एक transparent material होता है, और जैसे कि आप telescope देख रखा होगा, उसमें भी lens use होते हैं, microscope, उसमें भी lens use होता है, even magnifying glass जो आप use करते हो, अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए, मैग्नीफाई करके देखने के लिए, वो भी एक लेंस होता है। तो स्फेरिकल लेंसेस क्या हैं? तो स्फेरिकल लेंस वो है जो स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल लेंसेस हैं, कन्वेक्स लेंस और कंकेव लेंस। तो स्फेरिकल वर्ड फिर स्फीयर से बना है, जैसे कि हमने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था मिरर्स के बारे में, वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। तो लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, बाउंडेड बाय वन और टू कर्व्ड सरफेसेस। तो जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, यानी कि स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये दो हमारे स्फीयर्स होते हैं, तो उनसे हम इसको कट कर दें, तो उन्हीं का जो पार्ट है, यानी कि इसका लेंस का जो पार्ट बना होता है, दो लेंसेस से जो स्फीयर से बना होता है, और ये हमारा कन्वेक्स जो है लेंस है। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि ये थिन होता है एज से, थिक होता है मिडल से। तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को फोकस करता है, यानी कि एक जगह पे जो है रेज को इकट्ठा करने का काम करता है। तो ये कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। और दूसरा हमारा जो है कंकेव लेंस है, इसमें जो कंकेव वर्ड यानी के अंदर की तरफ जो है हमारे कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, ये अंदर की तरफ है, यानी के इसके एजेस जो है थिक होते हैं, मिडल में ये थिन होता है, कंकेव लेंस है। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ती है तो बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो उसी वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये दो स्फीयर से, यानी कि दो जो कर्व्ड सरफेस होते हैं उनसे बनाए होते हैं, तो इन्हें डबल कन्वेक्स और डबल कंकेव जो है लेंस भी बोलते हैं। तो इनसे रिलेटेड वही टर्म जो हमने लास्ट मिरर के बारे में पढ़ी थी, वैसे ही कुछ टर्म्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है लेंस का? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट। तो उस स्फीयर का सेंटर जिसका लेंस पार्ट है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेम इसमें है, इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि ये दो स्फीयर थे, एक इस तरफ था, एक दूसरी तरफ था, तो दो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं हमारे डबल कन्वेक्स लेंस के, या हमारे कन्वेक्स लेंस के। ठीक है, तो इसके बाद द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। और इसका जो सेंटर होता है लेंस का, इट इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर ऑफ लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। सेम इसी केस में भी है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने बोला कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि रेज को कन्वर्ज करता है, तो उसी से हम इसके फोकस के बारे में भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्जेस एट अ पॉइंट और दे मीट एट अ पॉइंट, and that point is known as principal focus of the convex lens. तो ये converging है, जहाँ पे parallel beam of light जो आ रहा है, ये सब parallel beam of rays हैं, और after refraction they meet at a point and that point is known as principal focus of convex lens. तो ये converging lens है, एक जगह पे सबको इकट्ठा कर देता है। और in the case of concave mirror, जो पैरेलल रेज हैं, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज, तो डाइवर्ज हो जाती हैं
और दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, और हमें अपीयर होता है कि एक पॉइंट से ये आ रही हैं या एक पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो उसी को हम इसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो इधर से भी तो रेज आ सकती हैं, तो इनके दोनों तरफ ही हमारे फोकस हो सकते हैं। इस तरफ जो फोकस है उसे आप कोई भी नाम F1 दे लीजिए, इस तरफ वाले को F2 दे लीजिए, F1 दे लीजिए, F2 दे लीजिए, तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट नेम जो है दे सकते हैं। दोनों तरफ जो है दो फोकस हो सकते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका डिफाइन करना हो तो सेम वही हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। वो इसमें कम यूज होगा तो हमारे पास ज्यादा यूज होता है फोकल लेंथ। तो ये हमारी जो फोकल लेंथ है वो ये होगी द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, क्योंकि इसमें हम सारे के सारे जो है डिस्टेंसेस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो और इसका अपर्चर क्या होगा, अपर्चर इसका वही इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, जो हमारे पास हिस्सा बचा है लेंस का उसका जो इफेक्टिव डायामीटर है वो हमारा अपर्चर होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड और ये लेंसेज के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।